थोड़ा इधर कर दिए मटर বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার পর এই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বাল্লার বাড়িতে গেলেন গুর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং। শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদে দিল্লি থেকে দার্জিলিং ফেরার পথে বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাসভবনে যান তিনি। যদিও এদিনের এই সাক্ষাৎকারকে বন্ধুত্ব ও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ বলে দাবি করেন দুজনেই। বিমল গুরুং জানান, যতদিন শরীরের শ্বাস চলবে ততদিন গুর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরবেন না। পাশাপাশি তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের উচিত চা বাগান নিয়ে ভাবা, শ্রমিকদের পাট্টা ও ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ বের করা। গোর্খাদের জন্য যে রাজনৈতিক দল ভাববে, 2024 সালে লোকসভা ভোটে সেই দলকে সমর্থন করা হবে বলেও জানান তিনি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে প্রায় তিন ঘন্টা ছিলেন বিমল গুরুং, তার সঙ্গে বৈঠকও করেন। এদিন বিমল গুরুং জন বার্লার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীর সমর্থকেরা। सरकार ने दिया है, हम लोग सरकार ने नहीं दिया ये तो नहीं बोला ना, सरकार ने दिया है, लेकिन वहाँ पर काजा में परिणत हुआ, गोजी में परिणत हुआ, घर में परिणत हुआ, बैंक बैलेंस में, जमीन पे काम नहीं हुआ। लीडर तो यही चीज़ के लिए तो होता है, लीडर के पास में धरना होती है, अनशन होती है, ये तो फेस करना पड़ेगा ना, सभी फेस करना पड़ेगा। कल टीएमसी का लीडर लोग का पास में जाएगा धरना करेगा, कल मेरा पास में आएगा धरना करेगा, जोन भाई का पास में आएगा धरना, ये तो एक नेचुरल बात है, ये तो होते रहेगा। तो उस टाइम भी बोला कि 2024 में जिस पार्टी ने हमारा कम्युनिटी को अच्छी तरीके से देखेगा, जो हमारा मुद्दे के लिए काम करेगा, उसी को हम लोग सब विमल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने जब 2007 में आंदोलन किया तो उन्होंने आदिवासी को जगाया, उन्हीं के आंदोलन से हम आदिवासी जब जागे हैं। मैं उनको पहले इस के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो अगर आंदोलन नहीं करते अपना मुद्दा को लेके, तो हम शायद इधर नहीं जागते। तो उन्होंने आँख खोल दिया और हमें आदिवासी को एकता होने के लिए ये मौका हमें दिया। तो आज पहली बार मेरा निवास में आया, मैं उनको मेरे हार्दिक दिलों से मैं उनको स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों से हम चाह रहे थे कि हम मिले, घर में आए, क्योंकि उनका आशीर्वाद से मुझे 2019 में टिकट भी मिला और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने गांव-गांव गली-गली में कैंपेनिंग किया मेरे लिए और मेरे लिए टिकट के लिए भी, और सेंट्रल से बात करके उन्होंने दिलाया। आज उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आज इस जगह तक हूँ। बनारहाट से गोपाल मंडल, रिपोर्ट उत्तरबंग संवाद।